हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 494 के बारे में, 494 के बारे में, जो कि डील करता है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः शादी करना। तो जैसे कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, तो अगर व्यक्ति है तो कोई अपनी पत्नी के जीवन में, या कोई महिला है तो अपने पति के जीवन काल में अगर पुनः विवाह करता है तो वो सेक्शन 494 का दोषी हो जाएगा। भाई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी शादी एक बार हो चुकी है, उसकी पत्नी अभी जीवित है, वो पुनः शादी करता है, तो अगर पुनः शादी करता है तो सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 494 का दोषी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 494 के सेक्शन के बियर एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो 494, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड आर वाइफ, हु एवर हैविंग ए हस्बैंड आर वाइफ लीविंग मैरिज इन एनी केस इन व्हिच सच मैरिज इज वाइड बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड आर वाइफ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ ये टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 7 years एंड आल्सो बी लाइबल टू फाइन। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसकी पत्नी जीवित है, या कोई महिला है अगर उसका पति जीवित है, तो अगर वो दूसरा पुनः शादी करता है तो उसे वो 494 का दोषी हो जाएगा और उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है, 7 साल तक की सजा और फाइन, या दोनों, 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित हो सकता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं सेक्शन 494 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने, अगर वो एक बार शादी हो गई है तो उसका पति या पत्नी जीवित है, तो अगर किसी कानून के अंतर्गत अगर वो उसका जो पुनः शादी किया है वो वाइड है, वो व्यर्थ है, तब वो 494 का दोषी हो जाएगा। जैसे हिंदू अधिनियम 1955 के अंतर्गत अगर कोई हिंदू है, वो अगर अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए अगर दूसरी शादी करता है, पुनः शादी करता है, तो सेक्शन 17 के अंतर्गत भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सेक्शन 17 में ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एक बार शादी हो गई है, अगर वो पुनः शादी करता है तो सेक्शन 17 के अंतर्गत वो सेकेंड वाली शादी जो होगी वो शून्य होगी, वो अवैध हो जाएगी और वो 494 का दोषी हो जाएगा। तो अगर 494 का दोषी वही व्यक्ति होता है जिसकी एक बार शादी हो गई है और अगर वो अपने पति या पत्नी के जीवन काल में ही पुनः विवाह कर लेता है, तब वो 494 का दोषी हो जाता है। लेकिन जो सेकंड वाली शादी हो गई है वो किसी कानून के अंतर्गत शून्य होनी चाहिए। इसके दो एक्सेप्शन हैं। कब कोई पति या पत्नी के जीवन काल में भी दूसरी शादी कर सकता है? नंबर एक होता है कि अगर जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की शादी हो गई है, शादी एक बार हो गई है और वो शादी किसी शादी जो है जो शादी हुई है वो किसी सक्षम अधिकारिता न्यायालय के समक्ष उसको वॉइड घोषित किया जा चुका है। जैसे किसी व्यक्ति का तलाक हो गया, वैध रूप से तलाक हो गया है, तब वो दूसरी शादी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पहली शादी हुई है वो अब वॉइड हो गई है, वो शून्य हो गई है, तब वो दूसरी शादी कर सकता है। नंबर दो, इसके एक्सेप्शन है। नंबर दो पे आता है, अगर कोई पति या पत्नी सात वर्षों से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में अगर जानकारी रखने वाला आसपास पूछने से भी पता नहीं चलते कि वो कहाँ पे है, अगर हम पूरी सतर्कता से भी जानकारी लेना चाहें कि वो जिंदा है या मर गया है, 7 साल तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तब वो व्यक्ति या वो महिला जो है दूसरे से शादी कर सकती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि जब शादी करती है दूसरे, तो उसे कम से कम ये बताना पड़ेगा जो दूसरी पार्टी है जिससे शादी कर रही है, कि जो परिस्थितियां होगी वो पूरा बताना पड़ेगा। तो 494 में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला
जिसका पति या पत्नी जीवित जीवित है, तो अगर वो ऐसी दशा में विवाह करेगा कि ऐसा विवाह करना किसी कानून के अंतर्गत शून्य है, तब वो दूसरा विवाह कर सकता है। भाई कोई कोई कानून में, जैसे मुस्लिम में आप देखिए, मुस्लिम में एक के बाद दूसरी भी शादी कर सकते हैं, लेकिन जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दिया गया है, उसमें सेक्शन 17 में साफ दिया गया है कि अगर पति या पत्नी के जीवित रहते हुए जीवन काल में कोई दूसरी शादी करता है, तो वो सेक्शन 17 के अंतर्गत वो शून्य होता है, वो विवाह शून्य होता है, और वो 494 का दोषी भी हो जाता है। तो अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो 494 का दोषी हो जाता है, और उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। लेकिन दो विवाह होने के लिए, मतलब दूसरा विवाह होने के लिए ये पूरी तरह से प्रूफ होना चाहिए कि दूसरा विवाह हुआ भी है। जो जो समानता हमारे जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, या जब कानूनी रूप से अगर दूसरा विवाह हुआ है तब 494 का वो दोषी होगा। तो इसके लिए ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ, उसने दूसरा जो पति या पत्नी जो है उस जीवन काल में ही, अगर उसका पहला पति या पत्नी जीवन है जीवित है, तो उसके जीवन काल में ही दूसरा विवाह किया है, तो 494 का दोषी होने के लिए दूसरा विवाह प्रूफ करना पड़ेगा, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा हुआ हो या कानूनन के रूप से हुआ है। तो आपने देख लिया कि 494 क्या होता है, कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो पति या पत्नी के जीवन काल में अगर वो पुनः विवाह करता है, तो वो 494 का दोषी हो जाएगा, आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत वो दोषी हो जाएगा, और उसको 7 साल तक की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 494 समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।